अब खबर है जी वो तहसील से जहां स्कूल व्यवस्थापन समिति द्वारा तहसीलदार को निवेदन सौंपा गया। यह निवेदन किस संदर्भ में सौंपा गया, देखते हैं इस खबर में। चिमूर में जिला परिषद से लगकर 50 वर्ष जीर्णावस्था में पानी की टंकी की वजह से विद्यार्थियों के प्राणों को धोखा होने से इस टंकी को गिराने के संबंध में जिला परिषद स्कूल व्यवस्थापन समिति द्वारा तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे को एक निवेदन दिया गया। गौरतलब नगर परिषद के हद के अभयंकर मैदान में 1972 में इस टंकी का निर्माण हुआ था और वहीं अब इसकी जीर्ण अवस्था हो चुकी है और बीते दिनों लगातार बरसात होने की वजह से 10 जुलाई को पानी की टंकी की सीढ़ियां ढह गई थी और यह सीढ़ियां जिला परिषद स्कूल की दीवार को लगकर गिरी। सौभाग्यवश इस मौके पर कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हुई। पानी की टंकी को लगकर ही जिला परिषद की प्राथमिक स्कूल है और इस जीर्णावस्था पानी की टंकी की वजह से भविष्य में विद्यार्थियों के प्राणों को धोखा हो सकता है। इसी संदर्भ में इस टंकी को गिराने के संबंध में एक निवेदन सौंपा गया। इस मौके पर स्कूल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष श्री हरि सातपुते, लक्ष्मीकांत बावनकर, प्रमोद हिंगे, किरण सातपुते, मोनी जुबड़े, अशोक मेश्राम, सोनू बावनकर, दीपाली बावनकर तथा अन्य पालक वर्ग उपस्थित थे। सीडी के हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।